Hey guys, welcome back once again on my channel. मैं हूँ किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत में सीखना चाहती हैं कि मेकअप कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आप शुरू से जानिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में मेकअप कैसे किया जाता है। पार्टी के लिए आप स्पेशली वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले आपको कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर फेशियल सीरम या फिर एसेंशियल ऑयल जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होता है, आपका फेस बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाएं अपने पूरे फेस पे। इससे आपका फेस जो है अच्छे से हाइड्रेट होता है, तो पूरे फेस पे अच्छे से लगा के इसको हाइड्रेट कर लें। कलर बार का यहाँ पे परफेक्ट प्राइमर लिया है, तो प्राइमर लगाने से क्या होता है कि आपका जो बेस होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और आपके फेस के जो पोर्स वगैरह उसको ये प्राइमर फिल करता है, और इससे क्या होता है फाउंडेशन और कंसीलर आपके फेस के अंदर तक नहीं जा पाता है, इसलिए बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारा प्राइमर। दूसरा हमने लिया हुआ NYBE का हमारा जो है ये लिक्विड फाउंडेशन है, तो पूरे फेस पे यहाँ पे हम डॉट डॉट करके गर्दन पे सभी जगह लगाएं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो दोस्तों, बहुत सारे लोग गर्दन पे अप्लाई नहीं करते हैं फाउंडेशन, तो कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए आप मेकअप करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर गर्दन पे भी अप्लाई करें, ताकि बिल्कुल भी फेस और आपकी गर्दन का कलर अलग अलग ना दिखे, इसलिए अप्लाई करना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे हम आईब्रो से शुरू करेंगे, तो हमने कलर बार का यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लिया है, बहुत ही सुंदर सा ब्राउन शेड है, बहुत ही बढ़िया हमारा आईब्रो पेंसिल है। तो जितना भी आपको आईब्रो मोटा या फिर पतला चाहिए उस हिसाब से उसको लाइन करें और उसके बाद उसको फिल कर ले, और कॉम्ब जैसा ऐसा ब्रश आता है उसकी मदद से आप उसको ज़रूर कॉम्ब करें, जिससे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा वो। और यहाँ पे ये वाला जो मैं स्टेप बता रही हूँ कि आईब्रो को कंसील करना होता है, इससे आपका आईब्रो जो है बहुत ही सुंदर और सुंदर दिखता है, क्लीन दिखता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वाला स्टेप नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, इससे आपका आईब्रो जो है फुल कंप्लीट मेकअप के लिए सुंदर दिखता है। और उसके बाद हम पूरे फेस पे जहाँ पे भी डार्क सर्कल है, आईलिड पे और आंखों के नीचे, अपने होंठ के चारों साइड, फोरहेड पे, नाक के ऊपर है, कंसीलर लगाएंगे और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ फेस जो होता है ना हाईलाइट होता है, आपके फेस के सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा लाइट्स पड़ती है कुछ भी होता है तो पार्टी फंक्शन में, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखना चाहिए, इसलिए हमेशा डार्क सर्कल वगैरह को हटाता है ये और सेंटर ऑफ फेस को हाईलाइट करता है। अब इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। लूज पाउडर है ये ब्लू हेवन का, लूज पाउडर की जगह पे आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमारा होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये लगा ले काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे अपने होंठ को ज़रूर से ज़रूर वैसलिन से या फिर कोई भी आपके पास लिप बाम है उसकी मदद से मॉइस्चराइज करें। अब यहाँ पे जो टिप्स होता है बिगनर्स के लिए, बहुत बार क्या होता है हम जब आई शेडो लगाते हैं तो हमारा आई शेडो इधर उधर चला जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टेप लगा लेते हैं, इससे बहुत ही सुंदर सा हमारा जो है आई का मेकअप सुंदर होता है। तो सबसे पहले एलेगल का आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से हम ट्रांजिशन कलर लेंगे और ट्रांजिशन कलर को क्रीज लाइन एरिया पर आपको रखना है पहले, जितना भी आपको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए उस हिसाब से। और फिर फ्लफी ब्रश होता है उसकी मदद से एजेस को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करें, ब्लेंड नहीं कीजिएगा तो अजीब सा वो भद्दा सा दिखता है, इसलिए हमेशा ब्लेंडिंग ज़रूरी है फ्लफी ब्रश की मदद से। ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम दे तभी आपका अच्छा दिखेगा आपका मेकअप। दूसरा हमने आई शेडो पैलेट लिया है स्टार मेकर्स का है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहला शेड हमने लिया हुआ ये आप देख सकते हैं, हल्का सा जो है वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि साड़ी हमारा जो है पिंक है इसलिए हम इस पर वो ले रहे हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा हम जो है ग्लिटर वाला सेम जो है पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन वाला डाल रहे हैं, ये हम यहाँ पे फिंगर से ही लगा लेंगे, बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे से लग भी गया है। तो ये देख सकते हैं हमारा आई का बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी मेकअप हो चुका है। अब फाइनली क्या करते हैं, हम लोअर लैशन पे आते हैं। लोअर लैशन पे आपको सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लगा लेना है जो आपने पहले लगाया है, और उसके बाद आपको जो है अगर जैसे कि ट्रेडिशनल वे में तैयार होना है तो थोड़ा सा काजल लगा सकते हैं, ब्लैक कलर का जो आप आई शेडो पैलेट जस्ट ट्रांजिशन कलर के नीचे लगा लें वो। तो ब्लैक कलर के लिए यहाँ पे हमने SQ का ब्लैक कलर लगा लिया है वाटर लाइन में, और यहाँ पे NYBE का हमने लिया है लिक्विड सा लाइनर, तो हल्का सा विंग लाइनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लगाएंगे, जिससे आपकी आंखों का लुक सुंदर और खूबसूरत दिखे।
और उसके बाद यहाँ पे मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा दोस्तों जरूर लगाएं, अगर आप लैसेस को कर्ल करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो मस्कारा लगाने से आपके लैसेस कर्ल दिखते हैं और बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। यहाँ पे आप फॉल्स लैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम ऑफ कैमरा लगाते हैं। उसका अलग ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिलेगा कि कैसे डुप्लीकेट वाला जो लैसेज होता है ना, वो लगाया जाता है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लोअर लैशन पे भी जो मस्कारा लगा लिया है, अब फेस मेकअप पे वापस से आए हैं। NYBA का यहाँ पे हमने कंटूर लिया हुआ है, स्टिक कंटूर है, इसकी मदद से कंटूर करेंगे। अब कंटूर करने से दोस्तों क्या होता है कि बहुत बार हमारा फेस, जैसे नाक बहुत मोटा है, फेस बहुत ही ज़्यादा मोटा है, डबल चिन बनती है, इन सभी चीज़ों को हाइड करता है। इसका एक अलग सा सिंपल सा कि हाउ टू कंटूर किया जाता है पूरे फेस का, एक अलग सा ट्यूटोरियल डिटेल में बताऊंगी आपके सामने कि नाकों को कैसे पतला दिखाते हैं, डबल चिन कैसे हाइड करते हैं। अगर आपकी फोरहेड बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो उसको कैसे अच्छे से आप हाइड कर सकते हैं, सुंदर दिखा सकते हैं। तो एक अलग सा ट्यूटोरियल आपके चैनल पे आपको मिलेगा, जरूर देखिएगा। अब जो कंटूर का किया है उसको, यहाँ पे मैबलिन का कंटूर पाउडर है, तो उस कंटूर को काफ़ी अच्छे से हम फिक्स करेंगे, जिससे आपका कंटूर सुंदर और बहुत ही अच्छा दिखेगा। और डबल चिन को हाइड करने के लिए ज़रूर से ज़रूर कंटूर करें, नाकों को पतला दिखाने के लिए। तो कंटूर हमने बहुत ही अच्छे से पूरे फेस का कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। अब आते हैं ब्लश पे। तो यहाँ पे हमने स्विस ब्यूटी का ब्लश है, जो कि बहुत ही सुंदर ब्लश है दोस्तों, हल्का सा लाइट पिंक और बहुत ही सुंदर सा कलर है, थोड़ा सा फेस को शाइन भी करता है इसकी मदद से। तो फेस को हल्का स्माइल करते आपको लगाना है। यहाँ पे मैबलिन का मास्टर क्रोम हमारा हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर जो फेस का बेसिक मेकअप होता है, जो फाइनल मेकअप होता है, उसमें हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो है आपके उभरे हुए जो फेस के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चिक बोन्स हो गए, आपके नोज हो गए, आपके होंठ के जस्ट ऊपर, फोरहेड, आपकी आंखों के जस्ट नीचे और आपके आंखों के कॉर्नर पे और आईब्रो के पास, इन सभी जगहों पर आपको हाइलाइटर लगाना होता है। यहाँ पे हम लिपस्टिक के लिए NYBA का जो है बहुत ही बढ़िया हमारा पेंसिल सा लिपस्टिक है, जो कि क्रेयॉन्स है, बहुत ही सुंदर सा शेड है इसका, पर्पल शेड है, और जो बिल्कुल आप अगर मैचिंग का कुछ करती हैं तो उसके लिए बहुत ही सूट आएगा। तो ये देखिए इस तरह का फाइनल मेकअप है, जो कि खूबसूरत है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही डिसेंट है, और आप ये वाला लुक आराम से किसी पार्टी फंक्शन के लिए करके जा सकते हैं। तो ईजी वे में आप अगर बिगिनर्स हैं तो आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि बेस मेकअप कैसे करते हैं और आँखों का मेकअप आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल बताइए कमेंट्स करके, और ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में घंटी का बटन आता है ना, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपसे वो मिस ना हो सके और सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, और आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय गाइज़।